अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू डे। नेक्स्ट डे हम कह सकते हैं कि सेकंड डे हमारा अभी यहाँ पे एस्केप होटल में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बजे और उन्होंने हमें उठाया है नाश्ते के लिए कि आप आएँ यहाँ पे। इनका मॉर्निंग वो बुफे टाइप का नाश्ता है, तो फिर वो टाइम चला जाता है तकरीबन 10 बजे के बाद वो ऑफ़ कर देते हैं। तो अभी 9 बज रहे हैं, चलते हैं नाश्ते के लिए। बड़ी भूख भी लग रही है और नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद फिर देखते हैं कि किधर का सीन बनता है। One eternity later. आप देख सकते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये हमारे सामने एक अलकहार लेक के नाम से एक थोड़ा सा छोटा सा लेक है और यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये हुकूमत नाना, आप कैसे हैं? तो ये यहाँ के मैनेजर हैं एस्केप होटल के और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मिल सकती है? जी बिल्कुल। तो ये जो आपका एस्केप है, ये वीकेंड पे ज़्यादातर वो होता है या पूरा वीकेंड पे? असल में सर हमारे साथ ऑक्यूपेंसी फुल होती है जी। हमारे मतलब हमारे साथ 18 रूम्स है जी। जी 18 रूम्स है जी। 18 रूम्स है हमारे साथ, तो इसके बुकिंग पहले से होती है। वैसे वीकेंड के अलावा तकरीबन 3 दिन हमारे साथ फुल होता है। अच्छा, वीकेंड के अलावा हमारे साथ काम होता है। और कमरे की प्राइस, रूम प्राइसेस? रूम जो है फैमिली लॉज से बड़े जी, डबल स्टोरी है। ऊपर इसका डबल बेड होता है, नीचे सेटिंग है इसके 8000 है। और जो आवर है ये एग्जीक्यूटिव रूम में इसका 5000 है। इसमें रूम के हिसाब से हमारे साथ 2% ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। अच्छा जी, 2% देते हैं 2% के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है जी सर जी। ठीक है जी। बाकी आपने रूम देखे होंगे, उसमें आपने वीडियो वगैरह बनाई है? जी जी मैंने बनाई है, रिव्यू बहुत अच्छा है। चलिए जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अभी जी हम पहुंच चुके हैं एक रैंडम जगह पे और मौसम ऐसा मौसम है कि मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने जैकेट पहन लिया है। और वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रैंडम से एक यूनिक जगह पे बन जाएगा। पीछे देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं फैसल मॉस्क और फैमिली वगैरह मेरी आगे जा रही है और बस मैं उनके पीछे। और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो फैसल मॉस्क में घूमते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद निकलते हैं किसी और जगह, चलते हैं खाने के लिए। अब देख रहे हैं ये है जनरल ज़ियाउल हक का और उन्हें यहाँ पे दफनाया गया है।
much later. वो जोहर की नमाज पढ़ ली है फैसल मॉस्क में, और मैंने आपको कहा था कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो सूप पीने का बहुत दिल चाह रहा था, तो फिर फैमिली ने कहा कि चलो सूप पी लेते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं कि किमुन हम आए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि अंदर सूप कैसा है और मज़ेदार है या नहीं। तो चले अंदर चलते, देख सकते हैं कि किमुन चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और उसके साथ नसीर। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, आप पीछे मेरा कमरा वगैरह देख सकते हैं। और रास्ते में ये था कि मैं इतना थका हुआ था कि बस मैंने कहा यार थोड़ा सा बंदा नैप ले लेता है, पावर नैप, और बस गाड़ी में ही सो गया। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गया कि किमुन में हमने क्या चीज़ें ट्राई की। तो हमने किमुन का जो स्पेशल सूप है हमने वो ऑर्डर किया, बीफ चिली ड्राई और उसके साथ मंचूरियन, और इट वाज टू डिलीशियस, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत मज़ेदार था। तो एक तो ऊपर से ठंड भी, बारिश भी हो रही थी, और उसमें गरम गरम सूप, सो इट वाज टू मच फैंटास्टिक। सो आज का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा गुजरा, और बस इसी के साथ हमारा ट्रिप इख्तिताम को पहुंचता है। ये दो दिन का ट्रिप था, एक पहला और आज दूसरा दिन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।